आपने नहीं SSD परचेज की है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, आपने SSD इंस्टॉल भी कर ली, बट जो आपकी पुरानी ड्राइव है जिस पर अभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स वैसे ही पड़े हैं जिसे आप गलती से भी लूज नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप मैन्युअली उन सारी फाइल्स एंड उन सारे डेटा को मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी नई ड्राइव में, बट मैं कहूँगी भाई इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप उन सारी फाइल हर एक सेटिंग को क्लोन कर सकते हैं अपनी नई ड्राइव में, वो भी फ्री में एंड कुछ ही क्लिक्स में। आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप विंडोज क्लोन करने का तरीका शेयर करने वाला हूँ, दैट इज ऑल्सो विदाउट लूजिंग एनी डेटा। सो वैसे तो कई सारे तरीके एंड सॉफ्टवेयर से OS क्लोनिंग के, कुछ फ्री है एंड कुछ पेड। आज हम कम्प्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं, दैट इज क्लोनजिला। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विच कैन डू डिस्क इमेजिंग एंड क्लोनिंग। तो भाई प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सबसे पहले तो अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को किसी सेपरेट ड्राइव पर सेफली बैकअप कर ले। दूसरा है कि आपकी जो करंट अभी विंडोज ड्राइव है उसका पार्टीशन साइज आपकी नई ड्राइव से साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए। लाइक 500 GB का डेटा आप 240 GB की नई ड्राइव पर सेव तो कर सकते नहीं हो, राइट? हाँ, अगर 500 GB का पार्टीशन है एंड यूज करीब 100 GB है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पार्टीशन मैनेजर में से ड्राइव श्रिंक कर सकते हो। एंड अगर दोनों डिस्क सेम साइज की है या नई ड्राइव ओल्ड ड्राइव से साइज में बड़ी है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऑलराइट, नाउ अब हमें चाहिए एक USB ड्राइव, एक SSD या हार्ड ड्राइव जिस पर आप OS क्लोन करना चाहते हैं, एंड रूफस एंड क्लोनजिला सॉफ्टवेयर। ऑफिशियल वेबसाइट से ये दोनों ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्लोनजिला के लिए अगर आपका AMD प्रोसेसर है तो AMD 64 आर्किटेक्चर एंड इंटेल है तो i686 सिलेक्ट करके IS फाइल डाउनलोड कर लेनी है। देन रूफस को ओपन करेंगे, USB ड्राइव एंड क्लोनजिला ISA को सिलेक्ट कर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। ओके, अब अपनी बूटेबल USB रेडी है। सिस्टम को रिस्टार्ट कर बूट मेनू से USB को बूट करेंगे। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग मेक श्योर कि इस वक्त आपके सिस्टम में सिर्फ दो ही डिस्क इंस्टॉल होनी चाहिए, एक तो सोर्स डिस्क जिससे आप OS क्लोन करना चाहते हैं एंड दूसरी टारगेट डिस्क जिसमें आप OS क्लोन करना चाहते हैं। ऑलराइट, क्लोनजिला बूट अप हो गया है। वी विल चूज 2 RAM वाला ऑप्शन एंड हिट एंटर। लैंग्वेज में इंग्लिश, कीबोर्ड लेआउट एज इट इज, स्टार्ट क्लोनजिला पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ अगर डिस्क टू डिस्क क्लोन करना है तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो डिवाइस टू डिवाइस, और अगर कंप्लीट विंडोज का बैकअप लेना चाहते हो एज अ इमेज फाइल तो आप चूज कर सकते हो डिवाइस इमेज ऑप्शन। फिलहाल हम डिस्क टू डिस्क कर रहे हैं तो क्लिक ऑन द सेकेंड ऑप्शन। इट विल नाउ टेक अ फ्यू सेकेंड्स। अब यहाँ पर ये मोड के लिए पूछेगा तो ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। चूज द बिगिनर्स ऑप्शन, देन क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन डिस्क टू लोकल डिस्क। ऑलराइट बॉयज, नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको सिलेक्ट करनी है सोर्स डिस्क, मतलब कि आपकी ओल्ड ड्राइव जिससे आपका डेटा क्लोन करना है। इन माय केस इट्स 120 GB SSD। सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर। अब सिलेक्ट करनी है टारगेट डिस्क। यहां पर अगर आपने गलत डिस्क सिलेक्ट कर ली तो डेटा लॉस हो सकता है। दैट इज वाई मैंने शुरू में कहा था कि सिर्फ दो ही डिस्क सिस्टम से कनेक्ट रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर दोनों डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी में भी सेम है तो ब्रांड एंड सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिलेक्ट द प्रॉपर टारगेट डिस्क एंड हिट एंटर। नाउ क्लिक द फर्स्ट ऑप्शन, स्किप चेकिंग द सोर्स फाइल सिस्टम, देन यूज द पार्टीशन टेबल फ्रॉम द सोर्स डिस्क एंड हिट एंटर। अगेन पिक द फर्स्ट ऑप्शन, चूज व्हेन एवरीथिंग इज फिनिश्ड वाला एंड प्रेस एंटर। Now it will ask for confirmation 3 times, press Y to continue, and then it will start cloning. Depending on your system, it will take time. Mera approx 15 minute mein clone process complete ho gaya. Now system ko shut down karke old drive ko remove kar denge taki system ko boot mein koi confusion na ho. Start the system and select the new disk for boot. First time it takes a few extra second and logi apna windows chal gaya. And yes, agar aapki target disk is larger in capacity than the original drive,
तो आप विंडोज डिस्क मैनेजमेंट में जाकर उस अनलिमिटेड स्पेस को एक्सपांड कर सकते हो अपनी स्टोरेज को इनक्रीज करने के लिए। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस टू क्लोन। बस कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फॉलो दैम एंड आप भी अपने ओएस को कुछ इसी तरह से इस प्रोसेस में क्लोन कर सकते हो। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह के पीसी टेक वीडियोस हमेशा होती रहती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे। ठीक है जी, तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।